Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 7, chapter name Factor Theorem, Factorization of class 10th Mathematics. So let's start. First heading, Rational Integral Function, clear? A polynomial in x in which no term contains a fractional power of x or a negative power of x is called a rational integral function of x. And is denoted by fx or simply fx qx etc. सेंस क्या हुआ कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, यहाँ पे वेरिएबल एज ए एक्स इन्होंने शेव किया है, वेरिएबल की पावर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर हो, मीन्स फ्रैक्शनल की पावर नहीं होनी चाहिए. देखिए, नो टर्म कंटेन फ्रैक्शनल पावर और निगेटिव नहीं हो सकता है. तो अगर फ्रैक्शनल नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव हो सकता है और इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए ना. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल 3x पावर 4 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्या है? एज ए रेशनल इंटीग्रल फंक्शन है, या सिंपली कह दीजिए पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है. इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर 4 है. क्लियर? वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx और fx फॉर x इज इक्वल टू 1 इज डिनोटेड बाई fa. एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू निकाली जा रही है वो यहाँ पे ला कर रख देंगे इस फंक्शन में. जैसे ये सपोज कर लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है. अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो एफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे 1, यहाँ पे x की जगह पे 1, यहाँ पर x की जगह पे 1, x सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, आपको मालूम हो जाएगी उस वैल्यू ऑफ x क्या है. क्लियर? जैसे यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 2x क्यूब 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? देन एफ टू, एफ टू मीन्स एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किया गया? 2. तो यहाँ पे 2 पावर 4 2 क्यूब इंटू 2 ये हो जाएगा. तो 3 डॉट 2 पावर 4 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी आपका रिजल्ट मिल रहा है 13 आ गया, वो बात की बात है. एफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 क्या होगी? इसमें एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस 1, सॉल्व कर लिया. क्लियर? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम. ये क्या होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने एफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड की ना किसी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, वैसे रिमाइंडर थ्योरम में कुछ काम करना है. एफ एक्स इज इक्वल टू ये सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. अब यहाँ पे जरा सा बात समझिएगा, अगर इस फंक्शन को एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा ये फाइंड करना. तो एक मेथड तो ये है कि जो आप लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं सीधा सा डिवाइड कर दें, जो लास्ट में बचेगा मिनिमम टर्म वो आपका क्या कहलाएगा? एज ए रिमाइंडर. बट एक मेथड ये था कि अगर हम x माइनस 1 को सपोज कर लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? x इज इक्वल टू 1. तो इस फंक्शन में, ये जो भी फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या रखिएगा? 1 रख दीजिएगा. तो 2 डॉट 1 स्क्वायर, 2 डॉट 1 स्क्वायर माइनस 5 डॉट 1, 5 डॉट 1 प्लस 7, प्लस 7 कैलकुलेट कर लिया 4 आ गया. तो ऐसे भी रिमाइंडर फाइंड किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन अब आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है वो इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड करना है. क्लियर? अभी नेक्स्ट टॉपिक में जब हम जाएंगे फैक्टर थ्योरम, तो वहाँ पे एक स्टेप और इंक्लूड हो जाएगा इसी में कि अगर से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये कहा जाएगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, वो फैक्टर थ्योरम होगा. बट रिमाइंडर थ्योरम क्या है? किसी भी फंक्शन में जिस टर्म से डिवाइड किया जा रहा है, अगर उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उस फंक्शन में ला के रख दें तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही एज ए रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? देखिए यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट है, लेट एफ एक्स बी एनी रेशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मीन्स 1 या 1 से ज़्यादा पॉलिनोमियल की डिग्री हो, एंड ए बी एनी रियल नंबर एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ए. अगर इस फंक्शन को एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा वही आएगा जो एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पर आपको रिजल्ट मिल रहा है. क्लियर? बाकी ये तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा ही होगा, फंक्शन इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. क्लियर? ये बात की बात है, ये सब चीज़ें बेसिक तो है. अब यहाँ पर देखिएगा कुछ केस है. फर्स्ट केस, इफ एफ एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए. अब अगर x प्लस ए से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसमें x की वैल्यू माइनस से रख दीजिए. क्यों माइनस से रखा जा रहा है? सिंस x प्लस ए इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस ए. ओके, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस बी, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए, मीन्स
वैल्यू ऑफ एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे बी अपॉन ए तो मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ बी माइनस ए। मतलब सिंपली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको, एक्स की वैल्यू वहाँ से इक्वेट जीरो इक्वेट करके निकाल लीजिए, तो जो भी एक्स की वैल्यू फंक्शन में सब्सिट्यूट करने पर रिजल्ट मिलेगा वही आपका एज ए रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जाम्पल नीचे उस पर देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर वेन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एंड टू एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, हम सिर्फ एक की बात करते हैं। एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो सबसे पहला काम, सब्सट्यूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन। क्लियर? इस फंक्शन में एक्स की जगह पे वन रख देंगे तो वन क्यूब माइनस सेवन इंटू वन प्लस फोर, सिंप्लीफाई कर लिया माइनस टू, आपको रिजल्ट मिल गया। तो एक्स माइनस वन से अगर हम एक्चुअल डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता? माइनस टू। तो ये एक प्रोसेस है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप अपने देख लीजिएगा। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम में इससे पहले क्या बताया ना कि रिमाइंडर अगर से जीरो आ रहा है तो जाहिर सी बात एक्स माइनस वन फैक्टर हो जाता, बट अगर जीरो नहीं आ रहा तो जो रिमाइंडर है वो होगा। नो स्टार्ट फैक्टर थ्योरम। ओके, ये आपका है फैक्टर थ्योरम। अब इसमें ज़रा सा देखिएगा, इफ एफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, भाई पीछे वाली कंडीशन, एंड ए बी रियल नंबर सच दैट एफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई? जीरो मिल गई। मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो आप ये कह सकते हैं इफ एक्स रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, इट्स मीन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो क्या हो गया? एक्स माइनस ए आपका फैक्टर हो गया। कन्वर्स इसका क्या है? इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर देन एफ एक्स इज इक्वल एफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तो ये बताओ कि फैक्टर है कि नहीं। तो अगर फैक्टर चेक करना है या नहीं तो एक्स की वैल्यू जो भी मालूम हो रही है फंक्शन में ला कर रखना, जीरो मिल जाता है तो फैक्टर है। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है, कह देगा कि फैक्टर है बताओ एक्स ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर फैक्टर है तो आप एफ ए की वैल्यू जीरो को सब्सिट्यूट कर दीजिए, वहां से आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा जो भी होगा। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फाइव, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बाकी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है वो अलग है। एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, ये चेक करना है। तो फैक्टर चेक करने के लिए क्या करना था? एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखते, वहां से एक्स की वैल्यू मालूम हो जाती है आपको वन। देखिए एट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाता? वन। तो अब एक्स की वैल्यू वन इसमें सब्सिट्यूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एफ वन इज इक्वल टू टू डॉट वन क्यूब, फाइव डॉट वन स्क्वायर, थ्री डॉट वन माइनस फोर। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लिया, जीरो आ गया। तो अगर से ये जीरो मिल रहा है मीन्स एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर से जीरो नहीं मिलता तो हम कह देते वो फैक्टर नहीं है। तो बस ये इतना काम है कि अगर फैक्टर होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। और फैक्टर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज सेवन, एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर नाइन, इसको भी देख लेते हैं, कुछ अलग सा है और काफ़ी नॉलेज इसमें मिलेगी आपको। फैक्टराइज दिस यूजिंग फैक्टर थ्योरम। नॉर्मली तो हो सकता है आप इसको फैक्टराइज कर ले जाएं, बट किसका यूज़ करना है? फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम, फॉर ए फैक्टराइजेशन द पॉलिनोमियल दिस, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमको एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए, बाई हिट एंड ट्रायल मैथड। अब हिट एंड ट्रायल मैथड क्या है कि इसमें जब आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू वन पुट किया, चेक किया, आया जीरो कि नहीं आया, आ गया तो ठीक है, वहीं से आपको कन्फर्म हो जाएगा फैक्टर है कि नहीं, अदरवाइज दूसरी वैल्यू कोई भी आप रखिएगा। इसी मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। मतलब आप अल्टरनेट ऑर्डर में एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाइए, आपको चेक करना है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर दिस वी सी दैट कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सिक्स एंड कंसिडर इट्स फैक्टर वन टू थ्री सिक्स प्लस माइनस। ओके, तो इस सिक्स के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस सिक्स। तो जो हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सारी वैल्यूज इसी के इक्वल रख सकते हैं। बस एक्स की वैल्यू वन प्लस वन रख दीजिए या माइनस वन रख दीजिए, प्लस टू या माइनस टू, प्लस थ्री या माइनस थ्री, प्लस सिक्स या माइनस सिक्स पे आपको जीरो मिल जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे फोर नहीं आ रहा है, फाइव नहीं आ रहा है, तो ये फोर या फाइव रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लीजिए। अब देखिएगा सोल्यूशन उन्होंने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू वन पे रखा है,
एट एक्स इज इक्वल टू वन, इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह पे वन रख दिया तो जीरो मिल गया, मीन्स एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक्स इज इक्वल टू टू पे भी इनको जीरो मिल रहा है, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एंड एक्स माइनस थ्री पे जीरो मिल रहा है, एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इनको कौन कौन से फैक्टर मालूम होगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री। जाहिर सी बात ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर थ्री है, तो तीन ही फैक्टर मिलने थे। लेकिन ये मेथड आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें से सिर्फ एक पार्ट तो आप ऐसे ही लगाइए, बाकी दो पार्ट अलग मेथड से लगाइएगा, वरना एग्जाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकेंड मेथड क्या है, वो ज़रा सा ईजी है और फंडामेंटल मेथड यही है, इसी को अप्लाई करिएगा। आफ्टर गेटिंग वन फैक्टर से एक्स माइनस वन, वी डिवाइड दिस गिवन फंक्शन बाई एक्स माइनस वन। मीन्स ये जब यहाँ पे आपको x माइनस वन एज ए फैक्टर मिल गया, तो उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एज ए क्वेश्चन मिल गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे फैक्टर कर लीजिए। इन्होंने इतने शॉर्ट में किया, बट आपको फैक्टराइज करना होगा, अप्रॉक्स 5-6 लाइन बनेगी। तो दो फैक्टर क्या हो गए, इसके दो फैक्टर हो गए, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू, एंड एक फैक्टर पहले से मिल रहा है एक्स माइनस वन। तो ये तीनों फैक्टर आपको मिल गए। आप यही मेथड अप्लाई करिएगा, ऊपर का मेथड सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप अप्लाई करिएगा। एक स्टेप निकालने के बाद उसके बाद आप डिवाइड कर लो, डिवाइड के बाद जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा उसको फैक्टराइज कर लीजिए, क्योंकि फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर सिलेबस में है। तो ये मेथड आपके लिए सूटेबल है। क्लियर, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन 3x³ प्लस 8x² माइनस 6x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द एक्स प्लस 3। मीन्स इस इक्वेशन को जब डिवाइड किया जाएगा x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड ये था कि हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 3। अब इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपका एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन या रिमाइंडर ऑफ फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, आइए इसको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 8x² माइनस 6x प्लस 1, एंड डिवाइड किससे करना है, x प्लस 3 से। तो जिससे आपको डिवाइड करना है, सबसे पहला काम उसको 0 सपोज कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको माइनस 3। क्लियर, अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए, f माइनस 3 इज इक्वल टू f माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रखना पड़ेगा, माइनस 3³ प्लस 8 ऑफ माइनस 3² माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 प्लस 1। इसको आप जैसे चाहिए वैसे सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 27 इंटू 3 माइनस 81, नो प्लस 9 इंटू 8 72 प्लस 9 प्लस 1 माइनस 81 एंड प्लस 82 इज इक्वल टू 1 एज ए रिमाइंडर। क्लियर, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इतने क्वेश्चन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट k। अब इन्होंने कहा है कि जब इस फंक्शन को डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से, तो रिजल्ट क्या बचता है, एज ए रिमाइंडर आपको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, k। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो अब इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखेंगे, वो वैल्यू 2 रखने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना होना चाहिए, k। तो रिमाइंडर को के इक्वल रख देंगे और सॉल्व करके वैल्यू को निकाल लिया जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये आपका फंक्शन हो गया, हमें इस फंक्शन पे किस पे निकालना है, x माइनस 2 पे, एट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गए, 2। क्लियर, अब लाइए इसमें, देखो x माइनस 2 है ना, सॉरी x माइनस 2 या इसमें ला के वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। सबसे पहला काम f2, यहाँ पे रिमाइंडर रखा जाएगा एज ए 2। f2 इज इक्वल टू 2³ प्लस 3² माइनस k.2 प्लस 4। क्लियर, ये k है, बोला रिमाइंडर k है, 8 प्लस 4th इज अ 12 माइनस 2k प्लस 4। ओके, 2k प्लस k इज इक्वल टू 3k, 8 प्लस 12 20 एंड 4 24, इट्स मीन k इज इक्वल टू
आंसर। क्लियर, बस इतने ही काम करना है, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर रिमाइंडर कुछ और दिया होता तो वहां पे हम वो वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रिवीजन बाय दिस एक्स प्लस 3 लीव एज ए रिमाइंडर 3। अब किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स प्लस 3 से, तो एक्स प्लस 3 को आप क्या रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। अब इस पूरे फंक्शन में एक्स की वैल्यू -3 रख के रिमाइंडर इक्वल टू 5 कर दीजिए, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में के किया गया था, वहां पे 5 रख दीजिएगा, एफ एक्स की जगह पे आपको ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज फैक्टर थ्योरम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स आर नॉट। अब आपको ये चेक करना है कि ये फैक्टर जी एक्स फैक्टर है एफ एक्स का या नहीं है। तो फैक्टर होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 3 मिल गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 सब्सटीट्यूट की जाएगी तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो जी एक्स एज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो जी एक्स नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हम सॉल्व कर देते हैं थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा रूट है तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे आप लोगों को। सो फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 2, आपकी बुक में मिसप्रिंट होगी, इसको कर लीजिए एक्स माइनस अंडर रूट 2। क्लियर, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, विदाउट माइनस आपका आंसर सही नहीं मिलेगा। क्लियर, तो एफ एक्स हो गया 7x² माइनस 2 अंडर रूट 8x माइनस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट 2। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। अच्छा, अब ये देखिए, आपको ये चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहला काम, एक्स माइनस अंडर रूट 2 को आपने क्या रखा, 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्लियर, अब हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ अंडर रूट 2 को चेक कर लीजिए ये कितना आता है, अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नो। 7 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 माइनस 6। 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, रूट 16, रूट 16 मीन्स 4 माइनस 6, 14 माइनस 8 माइनस 6, यानी कि 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफोर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बस ये हो गया आपके आंसर। अगर से 0 नहीं मिलता तो आप सिंपली कह देते कि वो फैक्टर नहीं है, 0 मिल गया तो फैक्टर है। क्लियर, इसी तरीके से बचे हुए सारे पार्ट आप लोगों को सॉल्व करने, क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे इसको 0 पुट करिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। क्लियर, ओके, और स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई x प्लस 1। एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई x प्लस 1 मीन्स रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0, क्योंकि फैक्टर हो गया ना। तो अगर से रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो जैसे हम लोग अभी तक x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तो इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। तो अगर से फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से आपको a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई एक्स माइनस 1 एज वेल एज एक्स माइनस 2। मीन्स ये फंक्शन आपका एक्स माइनस 1 से भी डिवाइड होता है, एक्स माइनस 2 से भी डिवाइड होता है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो दोनों पे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, तो 0। क्लियर, वहां से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा ए एंड बी के फॉर्म में, दोनों को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व होता है क्लास 9th में, तो उसी तरीके से सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू सॉल्व फाइंड कर लेंगे। क्लियर, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, पहले नोट कर लें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन एफ एक्स। अब ये फंक्शन किससे किससे डिवाइड है, एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, एंड एक्स माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स माइनस 2 को 0 पुट करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अच्छा, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि दोनों पे जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 1 आना, सॉरी 0 आना चाहिए। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 क्यूब
टेन वन स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू वन है प्लस बी। क्लियर, ये रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो है ना। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन प्लस वन माइनस अलेवन। ये आपको फर्स्ट रिलेशन। क्लियर, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू टू, एफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब प्लस टेन डॉट टू स्क्वायर प्लस ए डॉट टू प्लस बी ना, इस पे भी फैक्टर है तो जीरो होगा, मीन्स टू ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितने हो गए, फोर टेंस ऑफ फोर्टी प्लस एट, इधर आएगा माइनस फोर्टी एट। क्लियर, इट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल आएगी। आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको नाइन्थ का इजी मेथड लगे। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई कर दें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस अलेवन एंड टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एट। क्लियर, अगर हम साइन चेंज कर दें तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर, नाउ माइनस टू ए प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए एंड ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्लस थर्टी सेवन, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस थर्टी सेवन। अब अगर ए की वैल्यू यहाँ पे ला कर रख दिया जाएगा तो बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी ना, माइनस थर्टी सेवन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस अलेवन, सो बी इज इक्वल टू थर्टी सेवन माइनस अलेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स। क्लियर, ए एंड बी की वैल्यू ये हो गई, या कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, बहरहाल मेथड ये है। वैसे बुक से आंसर आपका मैच कर रहा है, बाकी दोनों आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार कहूँगा कि आप अपने कैलकुलेशन को खुद से लगाइए, देखिए कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। क्लियर, मेथड ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन्थ, बोथ हर फैक्टर ऑफ दिस शो दैट पी इज इक्वल टू, ये फैक्टर है तो दो रिलेशन बनेगा, जैसे अभी बनाया ना पी प्लस आर के फॉर्म में या पी माइनस आर के फॉर्म में, तो वहाँ से अपने आप सॉल्व करेगा तो पी और आर की वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी। बस ये दिखाना है कि पी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे देखिए, इफ x माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, अगर इसका फैक्टर x की वैल्यू टू पुट कर दीजिए यहाँ पे, अच्छा वो एक काम हो गया, वहाँ से a की वैल्यू मालूम हो गई एंड इसमें ला कर रख दीजिएगा x की वैल्यू, तो b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, x की वैल्यू टू रखिए, a की वैल्यू मालूम हो गई। अब जब x की वैल्यू यहाँ पर ला कर रखिएगा तो आपको b की वैल्यू मालूम हो जाएगी, बस खत्म। क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, If this has factor x minus 2 as a factor, sorry, अगर इसका एक factor x minus 2 है तो x की value 2 substitute करने पर क्या remainder मिलना चाहिए, 0। एक relation वहाँ से मिला आपको a और b के form में, जैसे कि अभी question number 7 discuss किया है। And leave as a remainder 3 when divided by x minus 3, तो x minus 3 से divide करने पर remainder क्या आएगा, 3 आएगा, तो x is equal to 3 रखने पर क्या मिलेगा, 3, and x is equal to 2 substitute करने पर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि x माइनस टू एज ए फैक्टर एंड x माइनस थ्री फैक्टर नहीं है, तो रिमाइंडर जो मिल रहा है वो दिया गया है। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा, a और b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इफ इट इज गिवन दैट x प्लस टू इज इट्स फैक्टर, तो इसको फैक्टराइज करना है। क्लियर, तो अगर से ये फैक्टर है तो जाहिर सी बात x इज इक्वल टू माइनस टू, देखिए x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू माइनस टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, तो एक फैक्टर तो क्लियर है। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा बचे हुए कोशेंट क्या है, उस कोशेंट को जो भी फॉर्म मिलेगा वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करना जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद से लगाइएगा, सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व कर दें, थोड़ा सा ये टफ लग रहा है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड पार्ट, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो आपको मालूम है ना कि 2x प्लस 3 एज ए फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन, तो सिंपली डिवाइड कर लीजिए, हमको कोशेंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर लेंगे। कितना हो जाएगा, इसको 2x 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x 2x स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। बाकी जैसे डिवीज़न होता है बिल्कुल इसी तरीके से आप डिवाइड करते जाइए, आपको रिजल्ट सही मिलना चाहिए। 20 माइनस 6 14x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18, ये बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ी है। अब 14x स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे 2x से, इज इक्वल टू 7x। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द टर्म बाय 7x, 7 टू जो 14x स्क्वायर एंड 7 थ्री जो 21x। ये सब चीज़ें तो ये मान के चली जाती है कि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि लोअर क्लास में सब था। 33 माइनस 21 इज इक्वल टू 12x
एन प्लस 18। नाउ 12x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 6। देखिए 12x को हर बार फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, क्वेश्चन जो आएगा उसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ 12x डिवाइडेड बाई 2x, 2 6 12, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई बोथ टर्म, 12x प्लस 6 3 18, साइन कैंसिल हो गए। ओके, यानी कि इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 एंड ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये हो गए फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब देखिए ये जो टर्म बच रहा है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो आई थिंक इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 12y, और ऐसे दो नंबर कि उनका प्रोडक्ट 12 और ऐड करने पर 7 मिल जाए, तो 4 3 12, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो सिर्फ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बस, बाकी कैलकुलेशन तो आपका ऊपर चल ही रहा है। ये कितना हो गया, 2x प्लस 3। आप चाहें तो शॉर्टकट कर सकते हैं अगर से ये कन्फर्म हो कि मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज ज़रा से भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हर स्टेप को सॉल्व करिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता है। एग्ज़ाम में एक बार आपको चांस मिली है, उसमें जितना बेहतर परफॉर्मेंस देना हो दे लीजिए। 2x एज ए कॉमन, कहीं भी ज़रा सा भी शॉर्टकट मारिए तो फुल कॉन्फिडेंस हो कि हम 100% सही है। 100% में 1% भी आपको लगे कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हर स्टेप को एक्सप्लेन करिए, ताकि वहाँ से ये समझ में आ जाए कि क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ये हो गए, अब 2x प्लस 3 सेम टर्म में आप चाहिए तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्लियर, सबसे पहला काम क्या किया आपने, डिवाइड कर लिया। डिवाइड के बाद जो फंक्शन मिला, इस पूरे फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई क्वेशेंट, मीन्स डिवीजर एंड क्वेशेंट, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन मिला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो मालूम है आपको, 9th में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एज ए सिलेबस भी है, तो इसको फैक्टराइज कर लिया, वैल्यू मालूम हो गई। क्लियर, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वही चीज़ है, 13 बिल्कुल वैसी तरीके से सॉल्व होगा, कोशिश करिए सॉल्व करने की। नहीं सॉल्व होता है तो आप, कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, पहले इसमें वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए किस वैल्यू पे वो जीरो मिल रहा है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल है उसको डिस्कस किया था हम लोगों ने, एग्जांपल 9, उसी तरीके से यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 30 है, तो 30 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, ये हो गए। उसके बाद 10 प्लस माइनस है आपका, 15 प्लस माइनस है, तो आई थिंक 1 2 3 एंड 5 तक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मे बी पॉसिबल है कि 2 या 3 पे मिल जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ आपको एक आध और मेथड अप्लाई करना पड़े, तो वो कर लीजिएगा अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, x माइनस 3 इज HCF, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एज ए फैक्टर मींस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये गिवन है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। उन्होंने दूसरे टर्म में यूज कर लिया HCF ऑफ दिस, HCF जो होता है वो फैक्टर होता है। ओके, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस या HCF ऑफ दिस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म है ना, तो इसका भी फैक्टर है एंड इसका भी, दोनों का फैक्टर हो गया। तो अगर x की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो सिंपली आपको p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर, अच्छा, और दूसरे वाले इक्वेशन में ला के रख दिया जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो यहाँ से आपका क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इस इक्वेशन से फैक्टर्स क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको एक्स पी की वैल्यू मालूम हो रही है, एंड एक्स इज इक्वल टू 3 इसमें रखने पर क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू मालूम होगी, तो यहाँ पे सिंपली पी एंड क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, रिजल्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वॉट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई एक्स प्लस 4, ठीक है, वॉट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। पहले सब्ट्रैक्टेड की बात किया जाए, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सपोज कर लीजिए आपके पास नंबर है 10, ठीक है, 10 को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, या 7 1 7, 3 एज ए रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर ना बचता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10
दैट इट शुड बी डिवाइडेड बाई 7, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो जाहिर सी बात जो रिमाइंडर है वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आपका मालूम हो जाएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करने पर यह एज ए फैक्टर बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट, वॉट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई एक्स प्लस 4। आप सबसे पहला क्या काम करो, रिमाइंडर फाइंड कर दो एक्स की वैल्यू माइनस 4 सब्सट्रूट करके, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं, जो रिमाइंडर है वही तो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज वो डिवाइड हो जाता ना। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, वॉट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई एक्स माइनस 2। अब ये मसला है कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये सपोज कर लीजिए, हमने सपोज कर लिया कि इसमें a ऐड करने पर ये फंक्शन x माइनस 2 से डिवाइड होगा, तो अगर x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है मीन्स x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करने पर इसका रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसमें a ऐड कर लिया और रिमाइंडर के निकालने के लिए x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दिया और इसमें ला के रख दिया। अब इसमें जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको इजी से a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, बस वही आपका आंसर हो गया। क्लियर, मीन्स अगर से डिवाइड हो जा रहा है तो एज ए फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। क्लियर, सो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, बाय।